देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह से आजसू जिलाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शाह और आजसू कार्यकर्ता खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ध्रुव प्रसाद शाह ने बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह पर एनडीए धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव के नॉमिनेशन के दिन बीजेपी के बैनर में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की तस्वीर को जगह नहीं मिलने से भी काफी नाराज है। आजसू जिलाध्यक्ष ने गंगा नारायण सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उनका व्यवहार ही बदल गया है। साथ ही ध्रुव प्रसाद शाह ने उन्हें इसका खामियाजा चुनाव में भुगतने की भी चेतावनी दी। महतो जी ने गंगा नारायण सिंह को चलना सिखाया राजनीतिक में, मतलब नियमता उनका गुरु कहने का मतलब है कि सुदेश कुमार महतो ही है, तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका फोटो को उस मंच पर देना जगह जहाँ मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो 46,000 वोट गंगा नारायण सिंह का पर्सनल वोट था, तो मैं आपको बता देता हूँ गंगा नारायण सिंह पिछले चुनाव में इससे पहले भी निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें सिर्फ मधुपुर में 1300 वोट मतलब मिला था, तो इसका आकलन आपको ही करना होगा कि 1300 बनाम 46,000 और अभी इस चुनाव में खड़ा है तो पता। पटना स्थित अपने आवास पर बिहार के पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर कोरोना अपना पांव पसार रहा है, यह चिंता का विषय है, इसे लेकर सचेत रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो चुकी है और इसके रोकथाम के लिए सरकार सजग है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से सूबे में 45 साल से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने की अपील पर भी मांझी ने जोर दिया है। कि कोरोना फिर से अपना पैर पसार रहा है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में झारखंड में इवन बिहार में भी उसकी गति तेज़ हो रही है, तो ऐसे संदर्भ में जहाँ तक बिहार का सवाल है, इसके पहले भी बिहार सरकार बहुत सचेष्ट रही है, काफ़ी उसके लिए सेंटर खुले हैं, वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, आज भी वैक्सीनेशन काफ़ी हुआ है और आज देखा गया होगा कि 45 वर्ष के ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन देने की।